मुंबई में फिल्म स्टार और अन्य खास लोगों की सुरक्षा में लगे प्राइवेट बाउंसर का काम करने वाले एक युवक का ओवरडोज दवाई लेने से आज सुबह मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते उसने घंटों तक पूरे इलाके में जमकर उत्पात मचाया और सड़कों पर खड़ी कई कारें भी तोड़ डाली। एक पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते आसपास हंगामा मच गया। बाउंसर को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए। इलाके के लोगों की मदद से जाल और रस्सियों के सहारे काबू करके जिला अस्पताल भेजा गया। मुरादाबाद के पीरगेव इलाके में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब इलाके के ही रहने वाले अनस कुरैशी नाम के युवक ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और आसपास से गुजर रहे लोगों के साथ भी मारपीट करने लगा, जिससे इलाके में हंगामा मच गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पहलवान नुमा अनस को किसी दवाई का ओवरडोज हो गया, जिसके चलते वे अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। किसी अनहोनी और हंगामे की घटना को बढ़ता देख थाना मुगलपुरा पुलिस को सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस भी बाउंसर को काबू नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की भीड़ के साथ मिलकर जानवर पकड़ने वाले जाल और मोटी रस्सियों से उसे पकड़ना चाहा, लेकिन इसमें भी भीड़ के पसीने छूट गए क्योंकि वे कई बार भीड़ की पकड़ से छूटकर फिर उत्पात मचाने लगा। बड़ी मुश्किल से रस्सियों से बांधकर उसे पकड़कर पुलिस की गाड़ी में डाला गया और फिर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां भी उसका इलाज स्ट्रेचर पर बांधकर किया गया। घंटों चले इस हंगामे में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनस कुरैशी फिल्म स्टार सलमान खान का भी बाउंसर रह चुका है और हाल ही में मुंबई के बाउंसर का काम कर रहा है। हम लोग गए जाल उल डाल के इसको पकड़ दिया है। इसका नाम आना से पीर गैप का रहने वाला। अच्छा, ये किसी के बाउंसर है कहते क्या? बाउंसर बॉम्बे में बाउंसर है, लगता है स्टेरॉइड वगैरह लिया जा रहा है, दिमाग पे असर हो गया इसके। तो यहाँ छियों तो गाड़ी तोड़ दी, यहाँ कोई हंगामा करा तो सबको परेशान करा? हाँ, किसी को पीट रहा था, कहीं गाड़ी तोड़ रहा था, कहीं कुछ कर रहा था, दस्तागीरों को पूरा इसने वो कर रखा था।